हेलो भाई, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। तो आज हम वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिश टीवी NXT सेटअप बॉक्स के। इस बॉक्स की हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं डिश टीवी में टेक्नीशियन हूँ। डिश टीवी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता के आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं आपकी। तो ये जो बॉक्स है, लेटेस्ट बॉक्स है डिश टीवी NXT ST, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दो साल भी नहीं एक साल हुआ है। तो इसके आप कभी भी कनेक्शन बुक कराते हो तो सबसे पहले आपको बॉक्स है जो ये वाला मिलेगा। पहले इससे थोड़ा बड़ा आता था रिकॉर्डिंग बॉक्स, या रिकॉर्डिंग बॉक्स नहीं है, ये HD बॉक्स है। 5x बेटर पिक्चर क्वालिटी। तो हमारा जो ये जो चिट होती है, अगर आपके यहाँ पे कोई बंदा लगा के जाता है तो सबसे मेन काम होता है हमारी ये चिट का। चिट में आपका सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है 02563964388, ये आपका रिचार्ज नंबर होता है। इस नंबर से आपका रिचार्ज होगा, ठीक है। हर बॉक्स में अलग अलग होता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये तो हमारा डिश टीवी का रिमोट है, सेटअप बॉक्स का। सेटअप बॉक्स के रिमोट के बारे में बता देता हूँ। देखो ये मतलब ये बटन है पावर ऑफ ऑन का है, बाकी वॉल्यूम प्लस मैंने चैनल अप डाउन। डायरेक्ट नंबर टाइप कर सकते हैं, ये मेन्यू हो गया आपका। डायरेक्ट मेन्यू से आपका जो भी चैनल चाहिए ड्राइव में जाकर डाल सकते हो। और इसमें हमारी AV लीड निकली है, जो कि ऑक्स केबल की तरह होती है। 1.3 की 3x3 काम नहीं करती इसमें, 1.3, ठीक है। इसको हम साइड में देते हैं। उसके बाद में हमारे को दो कनेक्टर मिलते हैं डिस्क के साथ में, बॉक्स के साथ में। उसके बाद में हमारे को वो एक केबल टाई और ये पिकले मिलते हैं, जो कि यूज़ होते हैं आपके घर पे। उसके बाद में एक अडेप्टर आता है 24 वोल्ट का, जो कि है ये अडेप्टर जनरल। और हाँ वैसे इसके बाद इस अडेप्टर के बारे में बताता हूँ, अगर आपसे अडेप्टर टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो आपने इस अडेप्टर को फेंकना नहीं है, कंपनी रिप्लेस कर लेती है। अगर आप इस अडेप्टर को फेंकते हो और लोकल मार्केट से ला के लगा देते हो तो ये आपको 320 रुपये परचेज़ करने पड़ सकते हैं। कई बार आप अपने खुद से इसको काट के दोबारा ज्वाइंट कर लेते हो करंट ना आने पे। ख़राब हो गया कोई बात नहीं, कंप्लेंट करा दो। कंप्लेंट कराने के बाद में ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 320 रुपये का आता है हमारे डिश टीवी से। तो इसको हम अलग कर देते हैं, बता कर देते हैं। और दो सेल एनएन सेल होते हैं, ये बाहर मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको, डिश टीवी सिर्फ अपने लिए बनाते हैं। इसको हटाओ और अपना ये आ गया हमारा डिश टीवी का सेटअप बॉक्स डिश NXT, ठीक है। जो आप देख रहे हो डिश NXT हमारे सबसे ऊपर जो आ रहा है, डिश टीवी का कॉल सेंटर नंबर है 9501795017। यहाँ से आप एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स बुक कर सकते हो, इस सेटअप बॉक्स को बुक कर सकते हो ऑनलाइन। आपने इस नंबर से अगर बुक करते हो तो आपके बॉक्स की लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी, ठीक है। इस आप ध्यान से सुनना, इस बॉक्स को इस नंबर से बुक करते हो आपके बॉक्स को लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। कभी भी फ्यूचर में ख़राब होता है तो बॉक्स के पैसे नहीं लगेंगे, विजिट के पैसे लगेंगे। अगर आप डीलर से बुक कराते हो तो वो 1 साल की ही गारंटी देगा, ठीक है। बाकी इसमें पावर का बटन ऊपर, यहाँ पर आपकी लाइट चलेगी डिश NXT। इसका जो मॉडल है वो D5004HD है। इसको जो पीछे के साइड है वो कुछ इस तरीके से पावर अडाप्टर लगेगा, ऊपर से केबल आएगी RG6 केबल लगेगी, कनेक्टर की लगेगी HD। अगर आपकी टीवी LED है तो वो आपको ये जो नॉर्मल केबल के बजाय HDMI केबल दे देगा। अगर आपकी नॉर्मल टीवी है तो वो आपको ये वाली केबल देगा। इसके बाद में ये दोनों यूज़ आपको मैंने बता दिया, नॉर्मल टीवी HD TV, नॉर्मल टीवी LED TV। तो जरूर नहीं है आपकी टीवी में HD लिखा हो तो वो HD है, और जिस टीवी में अगर ये पॉइंट है तो चलेगा, उसको यही केबल मिलेगी। ये देखो चिट अगर आपके सेटअप बॉक्स पे जो लगी थी बॉक्स पे, यहाँ पे भी लगी है। बॉक्स खो जाता तो इनके साथ यहाँ से निकाल सकते हो और डिश टीवी के माई अकाउंट से भी निकाल सकते हो।
ठीक है, तो गाइस ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए अगर आप इस वीडियो में नए हो। बाकी हमारे दोस्त यार तो सब्सक्राइब और लोडे हो रखे हैं, तो जो नए नए वीडियो नए नए बॉक्स आते रहते हैं। अभी मैं एलेक्सा किट के बारे में बताऊँगा, जो नॉर्मल टी वी को एंड्रॉइड टी वी बना देता है उसके बारे में बनाऊँगा वीडियो, तो कुछ वेट करो आप। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देना एक, तो अपने भाई को आपके भाई को अच्छा लगता है कमेंट करोगे तो आप। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।